हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाघ एकेडमी। बच्चों, पवन वाघ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की जर्नी स्टार्ट किए बहुत दिन हो चुके हैं और आज हम लोग उस लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके ऑलरेडी 5 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। तो बच्चों, मैं 5 नहीं सॉरी 4 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, आज 5वां पार्ट अपलोड करने जा रहे हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो एंड बोर्ड ऑल्सो, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हो सके तो हेडफोन लगा के बैठे, कॉन्सेंट्रेट करके सुने, हर एक टॉपिक को जो मैं बताती हूँ उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का लेक्चर, पार्ट नंबर 5, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स का। और अपनी खुद की नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे बच्चों, नोटबुक एंड पेन लेके बैठे, रेडी रहे, ठीक है। तो बच्चों, उसके पहले मैं आपको बता दूं, पवन बाग एकेडमी का ऐप भी है, उसको जरूर डाउनलोड करें, इसके अंदर सारी वीडियो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन के ऊपर। तो सबसे पहले फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन होता क्या है, इसकी हम बात करते हैं। जो देखो, उसके नाम में ही उसका मीनिंग है, फ्री वाइब्रेशंस एंड फोर्स वाइब्रेशंस। फ्री मतलब क्या, जो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के बिना ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे फ्री वाइब्रेशन। जैसे कि स्विंग, स्विंग पता है सबको, स्विंग को अगर हम एक बार इनिशियली फोर्स लगा दे तो वो अपने आप ऑसिलेट होता है, अपने आप वाइब्रेट होता है, उसको किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती उसके सिवाय। मतलब उसके पास खुद की एक फ्रिक्वेंसी है जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी। तो जो बॉडी नेचुरल फ्रिक्वेंसी की वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है उसको कहा जाता है फ्री वाइब्रेशंस। मतलब देखो, और एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम सबको पता है। सिंपल पेंडुलम की ये कौन सी पोजीशन होती है बच्चों, इसको कहा जाता है मीन पोजीशन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अगर हम इस पेंडुलम को इस मीन पोजीशन से, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस्ड कर दें और उसको एक एक्सट्रीम पोजीशन पे लाके छोड़ दे, छोड़ने के बाद क्या होगा, ये पेंडुलम अपने आप ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, अपने आप ऑसिलेट करेगा। तो ऐसे ऑसिलेशंस को हम लोग क्या कहेंगे, फ्री ऑसिलेशंस, और इसी को फ्री वाइब्रेशंस भी बोला जाता है। एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों, ज्यादा डिटेल में नहीं है, आपको बस एक डिस्टिंग्विश है, उतना भी अगर आप लर्न कर लेते हो इस टॉपिक का देन मोर देन सफिशियंट। उसके बाद देखो बच्चों, फ्री वाइब्रेशन के बाद आता है फोर्स वाइब्रेशन। मतलब कि देखो, आपका मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है, मान लो आपका मोबाइल वाइब्रेशन मोड पे है और उस मोबाइल को आपने टेबल पे रखा, तो जैसे ही हम मोबाइल टेबल पे रखते हैं तो वाइब्रेशन जो है मोबाइल के वो टेबल को ट्रांसफर होते हैं। मतलब मोबाइल की वजह से टेबल वाइब्रेट हो रहा है ना। अगर मैं मोबाइल उठा लूं तो टेबल के वाइब्रेशंस भी बंद हो जाते हैं, अगर मैं मोबाइल वापस रखूं तो टेबल वाइब्रेट होता है। इसका मतलब जो टेबल के वाइब्रेशंस है दैट आर द फोर्स वाइब्रेशन, जैसे ही मैं फोर्स बंद कर दूं वो उसके वाइब्रेशंस बंद हो जाएंगे। इसका मतलब उसके ऑसिलेशंस कौन से है, उसके वाइब्रेशन से फोर्स वाइब्रेशन, जो कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आ रहे, तो उनको हम कहते हैं फोर्स वाइब्रेशन। वैसे दो टाइप के वाइब्रेशंस होते हैं बच्चों, फ्री वाइब्रेशंस एंड फोर्स वाइब्रेशंस। तो दोनों का अगर हम डिस्टिंग्विश भी लर्न कर लेते हैं ना, दैट इज मोर देन सफिशियंट। अगर आपको डेफिनेशन पूछी तो आप बस ये पहला पॉइंट लिख दो, अगर डिफाइन फ्री वाइब्रेशन बोला तो बस पहला पॉइंट लिख दो, अगर उन्होंने बोला एक्सप्लेन फ्री वाइब्रेशंस तो इसके 4-5 पॉइंट्स आप लोग लर्न करके रखो, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है वो। उतने 4-5 पॉइंट अगर आपने लर्न करके रखे और उतना भी अगर आप लिखते हो तो दैट इज मोर देन सफिशियंट। तो फ्री वाइब्रेशंस मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, फ्री वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी इज डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज्ड। अगर बॉडी को हमने उसकी मीन पोजीशन पे हटा दिया, मीन पोजीशन से प्लेस किया और रिलीज किया, तो वो अपने आप वाइब्रेशन स्टार्ट करती है, तो उसको हम बोलते हैं फ्री वाइब्रेशंस। एंड फोर्स वाइब्रेशंस मतलब आर प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी। मतलब ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की वजह से, तो उसको हम कहेंगे फोर्स वाइब्रेशंस। सेकेंड पॉइंट आता है, टू स्टार्ट फ्री वाइब्रेशंस द फोर्स इज रिक्वायर्ड इनिशियली ओनली। मैंने आपको बोला ना, स्विंग को एक बार धक्का दे दो, एक बार फोर्स लगा दो, तो वो अपने आप ऑसिलेशन स्टार्ट करता है। तो ऐसे वाइब्रेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री वाइब्रेशंस। मतलब क्या,
इनिशियली हम उसको फोर्स लगाते हैं, दैट्स इट ओनली. टू स्टार्ट फ्री वाइब्रेशंस द फोर्स इज रिक्वायर्ड इनिशियली ओनली. एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई करते रहना है, तभी वो ऑसिलेशन करेगा. कंटिन्यूअस एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स इज रिक्वायर्ड. इफ एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स इज स्टॉप्ड देन द वाइब्रेशंस आल्सो स्टॉप. अगर हमने एक्सटर्नल, मैंने क्या बोला, मोबाइल अगर मैंने उठा लिया तो वाइब्रेशन भी स्टॉप होंगे, वाइब्रेशन बंद हो जाएंगे. मोबाइल रखा तो टेबल के वाइब्रेशन स्टार्ट, अगर मोबाइल उठा लिया तो टेबल के वाइब्रेशन भी बंद. उसके बाद थर्ड पॉइंट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री वाइब्रेशंस डिपेंड्स ऑन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. जो फ्री वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है. एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स वाइब्रेशंस डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स. फोर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स के ऊपर, क्योंकि ये डिपेंड करता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर. इसका मतलब इसकी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी. देन एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन द अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस. ऑब्वियसली न्यूटन का लॉ कहता है एवरी बॉडी कंटिन्यूअस इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. अगर एक्सटर्नल फोर्स हम लगाते हैं, जब तक नहीं लगाते तब तक हर एक बॉडी रेस्ट में या फिर मोशन में होती है ना. तो ये उसकी एनर्जी यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेगी. अगर मैंने एयर रेजिस्टेंस, बाहर का कोई भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं हो रहा है, तो इसकी एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी. ड्यू टू डैम्पिंग फोर्सेस टोटल एनर्जी डिक्रीजेस. उसके बाद यहाँ पे फोर्स वाइब्रेशंस में एनर्जी ऑफ द बॉडी इज मेंटेन कॉन्स्टेंट बाय द एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स. इसकी एनर्जी हमें एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स से मेंटेन करनी पड़ती है, बट इसकी एनर्जी हमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीजेस विद टाइम. वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता जाएगा. ऑब्वियसली स्विंग देखो, इनिशियली उसका एम्पलीट्यूड बड़ा है, बट एयर रेजिस्टेंस की वजह से धीरे 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 कम होता है. और वो डैम्प, इसको क्या कहा जाता है याद है बच्चों, इसको डैम्पिंग कहा जाता है. एम्पलीट्यूड कम होना, ऑसिलेशन में मैंने बताया था, उसको डैम्पिंग कहा जाता है. लेकिन इसका एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड इज स्मॉल बट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एज लॉन्ग एज एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट ऑन इट. जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करते रहेंगे ना, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो उतना के उतना ही रहेगा. ठीक है. उसके बाद वाइब्रेशन स्टॉप सूनर और लेटर डिपेंडिंग ऑन द डैम्पिंग. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डैम्पिंग के ऊपर डिपेंड करता है. मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. डैम्पिंग मतलब धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होना. वाइब्रेशन स्टॉप सूनर और लेटर डिपेंडिंग ऑन द डैम्पिंग ऑफ फोर्स. डैम्पिंग फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा जो कि एम्पलीट्यूड को कम करने का काम कर रहा है. और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स के ऊपर. एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स स्टॉप कर दो, तुरंत वाइब्रेशन बंद होंगे. मतलब वो धीरे धीरे नहीं बंद होंगे, तुरंत बंद होंगे. यहाँ पे वो धीरे धीरे बंद होते हैं. मतलब डैम्पिंग फोर्स जैसे एक्ट होता रहेगा, उसके एक्सटर्नल वाइब्रेशंस धीरे 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 कम होंगे. बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. तो बच्चों देखो, यहाँ पे हार्मोनिक एंड ओवरटोन समझने के लिए मैं पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी, उसके बाद ही हम लोग एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो आपको समझ में आएगी. अगर मैं डायरेक्टली डेफिनेशन बताऊं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है. तो पहले मैं आपको थोड़ा बताती हूँ. देखो मान लो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग ही लेते हैं वापस से. मान लो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ली और स्ट्रिंग को मैंने दोनों साइड से टाई किया. ठीक है. टाई करने के बाद क्या होगा, मान लो स्ट्रिंग को मैंने एक बीच में वापस यहाँ पे सेंटर में पकड़ के उसको खींचा और उसको रिलीज किया. रिलीज करने के बाद पहली पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या बनेगी, देखो बच्चों पहली पॉसिबिलिटी यहाँ एक ही लूप फॉर्म होगा, है ना, कुछ ऐसे एक ही लूप फॉर्म होगा. तो जो इनिशियल पॉसिबिलिटी होती है, जो पहली पॉसिबिलिटी होती है, उसको कहा जाता है फंडामेंटल मोड. इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल मोड. फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड. और इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, इसको फंडामेंटल मोड या फिर नॉर्मल मोड भी बोला जाता है. नॉर्मल मोड, ओके, नॉर्मल मोड बोला जाएगा या फिर फंडामेंटल मोड बोला जाएगा. और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों, इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. जो फ्रीक्वेंसी रहेगी इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. मान लो उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, उसको मैंने डिनोट किया n0 से, है ना, n0 से डिनोट किया.
उसके बाद देखो अभी ये पहला हो गया, उसके बाद अभी वापस मैंने इसको थोड़ा सा और रिलीज किया और फोर्स लगाया, तो क्या होगा यहाँ पे सेकेंड केस ये बनेगी कि यहाँ दो लूप्स फॉर्म होंगे, ये एक लूप बनेगा, ये दो लूप्स, मतलब क्या यहाँ पे टच किया है मान लो तो दो लूप, जैसे कि स्ट्रिंग में इसमें होता है ना सितार गिटार में बीच बीच में ऐसे नोट लगाए होते हैं, मतलब कुछ डिस्ट्रैक्शन होता है, तो वहाँ पे मान लो वहाँ टच किया है स्ट्रिंग को थोड़ा यहाँ टच किया है, तो इसके दो लूप्स फॉर्म होंगे। दो लूप्स फॉर्म होने के बाद क्या होगा देखो, ये जो बनेगा ये फंडामेंटल हो गया, उसके बाद आता है फर्स्ट ओवरटोन, इसको हम क्या कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन, इसको फर्स्ट ओवरटोन बोला जाता है। एक सेकेंड, इसका स्पेलिंग फर्स्ट ओवरटोन, पहला फंडामेंटल मोड होता है, फंडामेंटल बाद के ओवरटोन स्टार्ट होते हैं, ये मोड होने के बाद ओवरटोन स्टार्ट होते हैं, तो फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन ऐसे बनेंगे, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी बच्चों देखो, अभी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ वन एंड जीरो है ना, यहाँ क्या है वन एंड जीरो, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी इसकी, दैट इज टू एंड जीरो, याद रखना है। तो ये वन एंड जीरो है, तो इसको कहा जाता है फर्स्ट हार्मोनिक, हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक, मतलब वन इंटू एन जीरो फर्स्ट हार्मोनिक। यहाँ पे क्या है टू इंटू एन जीरो, दो लूप्स है ना, ये एक ही लूप है तो वन एन जीरो, ये दो लूप्स है तो टू एन जीरो, तो टू एन जीरो को हम क्या कहेंगे, टू होने की वजह से सेकेंड हार्मोनिक, इसको हम कहेंगे सेकेंड हार्मोनिक, राइट। उसके बाद थर्ड पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है, थर्ड पॉसिबिलिटी यहाँ पे है तीन लूप फॉर्म होंगे, यहाँ पे मान लो तीन लूप्स फॉर्म किए हमने, वन टू थ्री, यहाँ तीसरी वेव, वन टू थ्री, ओके, तो इसके तीन लूप्स बने, तो ये हमारा फर्स्ट ओवरटोन होने के बाद क्या आएगा, सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, मतलब वो स्ट्रिंग में यहाँ तीन लूप्स फॉर्म हो रहे, तीन नोड्स फॉर्म हो रहे, तीन नहीं चार, एक दो तीन चार, चार नोड्स एंड चार एंटी नोड फॉर्म हो रहे, ऐसे फ्रीक्वेंसी सेट की होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसीज ऐसे सेट करते हैं। तो ये बना हमारा सेकेंड ओवरटोन, इसकी फ्रीक्वेंसी अभी क्या बनेगी, कितने लूप से, वन टू थ्री, तो हम लिखेंगे यहाँ थ्री एंड जीरो, तो ये कितना हार्मोनिक हुआ, दिस इज थर्ड हार्मोनिक, ये क्या बनेगा हमारा थर्ड हार्मोनिक। तो बच्चों ऐसे बनते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, ऐसे बनते जाते हैं, है ना। ये फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल मोड, यहाँ पे देखो यहाँ बराबर ये एक लूप है तो फर्स्ट हार्मोनिक, दो लूप्स है तो सेकेंड हार्मोनिक, तीन लूप्स है तो थर्ड हार्मोनिक, लेकिन ओवरटोन क्या है, पहला फंडामेंटल होता है, उसके बाद फर्स्ट ओवरटोन, उसके बाद सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन एंड सो ऑन, ऐसे ओवरटोन्स होते हैं, समझ में आए। तो हार्मोनिक हमेशा क्या रहेगा देखो, वन टू थ्री, ये क्या है इंटीग्रल मल्टीपल है, हार्मोनिक हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओवरटोन होता है, याद रखो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, उसको हम बोलते हैं हार्मोनिक्स, ओके। और इसको कहा जाता है फंडामेंटल मोड, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे फंडामेंटल, जो इनिशियल, जो सबसे पहली, जहां से स्टार्ट हुआ है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आता है ओवरटोन, जो कि आगे फंडामेंटल के बाद आता है ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन एटसेट्रा। और हार्मोनिक क्या होते हैं, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को इंटीग्रल मल्टीपल नंबर है, मतलब फर्स्ट वन टू थ्री, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड हार्मोनिक, आया समझ में। तो इसी का ऊपर, उसी के ऊपर से हमने इसकी डेफिनेशंस बनाई है। देखो ये पहली डेफिनेशन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको नोट डाउन करना है सभी स्टूडेंट्स ने, क्या है देखो, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी, सबसे मिनिमम, उसके बाद वन टू थ्री स्टार्ट होते हैं ना, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो रहेगी उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फंडामेंटल मोड क्या होता है, द मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ सिस्टम इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज मिनिमम, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मोड है उसी को हम बोलेंगे, जो पहला, जो सबसे पहला, जिसमें एक ही लूप है, उसको हम बोलेंगे द मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ सिस्टम इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज मिनिमम, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होते उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल मोड। उसके बाद आता है बच्चों हार्मोनिक, हार्मोनिक का मैंने क्या बताया आपको, वन इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, टू इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, थ्री इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, डेरिवेशन बताऊंगी तो समझ में आएगा। द टर्म हार्मोनिक इज यूज्ड व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर ओवरटोन
When the frequency of particular overtone is an integral multiple of the fundamental frequency. Frequency of particular overtone is the integral multiple of the fundamental frequency, मतलब n0 fundamental frequency से integral multiple numbers 1, 2, 3, 4 है, उसको हम क्या बोलते हैं? Harmonics. The term harmonic is used when the frequency of particular overtone is an integral multiple of fundamental frequency. कोई भी frequency हो, वो integral multiple होनी चाहिए किसके? Fundamental frequency के साथ, तो उसको हम harmonic ये word use करेंगे. समझ में आया? फंडामेंटल से कितने टाइम्स, कितना गुना ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं हार्मोनिक्स. उसके बाद आता है ओवरटोन. ओवरटोन का मतलब है द टोन्स हुज फ्रीक्वेंसी आर ग्रेटर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. हमने देखा ना, पहली फंडामेंटल है, उसके बाद क्या है? फर्स्ट आती है, फिर सेकेंड आती है. पहली हम काउंट नहीं कर रहे इसके अंदर, तो उससे ज्यादा जो रहेगी उसको हम बोलेंगे ओवरटोन्स. समझ में आया बच्चों? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं इसके मेन टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों. आई थिंक आई शुड चेक द कैमरा फर्स्ट, आइदर इट इज प्रॉपरली वर्किंग. ओके स्टूडेंट्स, इट इज प्रॉपरली वर्किंग. चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. देखो बच्चों, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द ऑर्गन पाइप. ऑर्गन पाइप का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे कि एयर के वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करके, जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, एयर वाइब्रेशन का यूज करके जहाँ साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट अगर आपने देखा होगा, तो इसके अंदर क्या होता है? ये कुछ ऐसे पाइप्स होते हैं, ऑर्गन पाइप्स. तो इसमें से है ना, हम लोग वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब मान लो ट्यूनिंग फॉर्क का यूज करके वाइब्रेशन प्रोड्यूस किए जाते हैं, एयर को वाइब्रेट किया जाता है उसके अंदर की एयर को, और वो वाइब्रेशन उसके अंदर से जब पास होते हैं तो उसके अंदर से हमें प्लीजेंट साउंड सुनाई देता है, जो कि बहुत ही मतलब ऐसा शांत प्लीजेंट साउंड सुनाई देता है. तो ऐसे साउंड को वाइब्रेशन एयर का यूज करके प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यहाँ पे हार्मोनिक्स ओवरटोन्स का यूज करते हैं. कैसे? देखो, उसी की हम बात करने वाले, लेकिन उसके पहले आपको है ना, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, इसके टाइप्स पूछे जाते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर किस टाइप के वाइब्रेशंस, किस टाइप के हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसके ऊपर आपको चार मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है. और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं. तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन वगैरह आपको बताती हूँ. ऑर्गन पाइप मतलब क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको शायद से देखा भी होगा, यूज भी किया होगा. जिनको म्यूजिक का शौक होता है, वो लोग सीखते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, तो उन्होंने शायद से इसको यूज भी किया होगा, मतलब म्यूजिक प्रोड्यूस किया भी होगा, तो उनको पता होगा. नहीं पता तो यहाँ पे हम लोग उसकी डेफिनेशन, और मैंने वैसे आपको इसका इमेज दिखाया है कैसे दिखता है, बस अभी आप लोग यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि ऑर्गन पाइप कैसे म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकता है, वहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हैं, यूट्यूब पे अच्छे से आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं. तो देखो, सबसे पहले मतलब ऑर्गन पाइप क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ. ऑर्गन पाइप मतलब एक ऐसा डिवाइस है, अ डिवाइस इन विच एयर इज वाइब्रेटेड टू प्रोड्यूस अ साउंड. यहाँ पे एयर वाइब्रेट की जाती है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गन पाइप. ओके, तो बच्चों ऑर्गन पाइप की डेफिनेशन देखो क्या होती है. अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस्ड अ साउंड ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी by using air vibrations called as organ pipe. A device which is used to produce a sound of desired frequency by using air vibrations called as organ pipe. Okay, तो ऐसे डिवाइस को हम लोग ऑर्गन पाइप बोलते हैं. बच्चों अभी इसके दो टाइप्स होते हैं. पहला टाइप जिसको हम कहते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड
ऑर्गन पाइप. तो क्लोज ऑर्गन पाइप मतलब अ पाइप व्हिच इज क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट वन एंड, मतलब इसको दो एंड रहेंगे, ये पाइप है. ओके तो इसका एक एंड जो है वो क्लोज्ड है, एक एंड जो है वो ओपन है. तो एक ही एंड से वाइब्रेशन प्रोड्यूस किए जाते हैं. मतलब ऑर्गन पाइप विच इज क्लोज्ड एट वन एंड, क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड कॉल्ड एज क्लोज्ड पाइप. ओके इसको कहा जाता है क्लोज पाइप, जो कि एक एंड से ओपन होता है एंड दूसरे एंड से क्लोज होता है, कुछ ऐसे. इसका चाहे तो आप डायग्राम भी निकाल सकते हैं. उसके बाद सेकेंड ऑर्गन पाइप जिसको हम कहते हैं ओपन ऑर्गन पाइप मतलब क्या होता है. एन ऑर्गन पाइप यहां एंड चाहिए ना बच्चों, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. एन ऑर्गन पाइप विच इज ओपन at both ends, called as open organ pipe, जो दोनों एंड से ओपन होता है, कुछ ऐसे. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ओपन ऑर्गन पाइप. ये दोनों एंड से वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ये बस एक एंड से और एक एंड इसका क्लोज है, तो इसको हम क्लोज ऑर्गन पाइप कहेंगे और इसको हम ओपन ऑर्गन पाइप कहेंगे. बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं. उसके बाद देखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एंड करेक्शन. एंड करेक्शन मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो. अब देखो यहां पे जो ऑर्गन पाइप है उसके अंदर कैसे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं, देखो इसको ठीक से समझना है बच्चों. देखो ये ऑर्गन पाइप है, जैसे ही हम इसको वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे तो एयर उसके अंदर की वाइब्रेशन वाइब्रेट करेगी, मतलब कंप्रेशन रेयरफैक्शन ऐसा प्रोड्यूस होगा. लेकिन हम दिखाते वक्त उसको ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में ही दिखाते, लॉन्जिट्यूडिनल वेव के फॉर्म में नहीं दिखाते. मतलब एक्चुअली जब ये एयर अंदर जाती है तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन ऐसे होता है. मतलब देखो मान लो ये ऑर्गन पाइप ऐसा है, इसके अंदर से हमने वेव ट्रांसफर की, तो यहाँ कंप्रेशन होगा फिर रेयरफैक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा फिर रेयरफैक्शन होगा, कुछ ऐसे होता है. लेकिन बच्चों यहाँ पे हम लोग इसको दिखाते वक्त है ना ऐसे ही वेव दिखाते हैं, जस्ट लाइक अ ट्रांसवर्स वेव ऐसे ही दिखाने वाले हैं वाइब्रेशन. बट आप याद रखो कि ये वाइब्रेशन कैसे होते हैं, कंप्रेशन वेव. यहाँ ट्रांसवर्स वेव नहीं, लॉन्जिट्यूडिनल वेव प्रोड्यूस होती है. तो हुआ ये कि जब हम लोग इसके अंदर वाइब्रेशन पास कर रहे थे तो ये चीज ऑब्जर्व हुई, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसका जो क्लोज एंड है इस क्लोज एंड के वहां पे हमेशा क्या प्रोड्यूस होगा, नोड. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये नोट करना है इसको. जो इसका क्लोज एंड है वहां पे हमेशा क्या प्रोड्यूस होगा, नोड प्रोड्यूस होगा. और जो इसका ओपन एंड है वहां पे हमेशा एंटी नोड प्रोड्यूस होगा. ओके इसका मतलब यहाँ पे हमेशा एंटी नोड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे हमेशा नोड प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ ऐसे. देखो ये नोड है, ये वेव आई यहाँ से, ये वेव का यहाँ पे रहेगा नोड. दोनों पॉइंट यहाँ क्लोज हो रहे हैं ना, तो जहां बनेगा दोनों पॉइंट का क्लोज तो वो बनेगा नोड, और यहाँ पे बनेगा एंटी नोड, वाइब्रेशन इज मैक्सिमम. बट बच्चों यहाँ पे और एक चीज ऑब्जर्व हुई, क्या पता है कि वो जो एंटी नोड यहाँ प्रोड्यूस होना चाहिए था ना एग्जैक्ट एंड पे, वो यहाँ एग्जैक्ट एंड पे प्रोड्यूस नहीं होता, इस एंड से कुछ डिस्टेंस ऊपर, मतलब इतना डिस्टेंस ऊपर वो प्रोड्यूस होता है यहाँ पे. ये एंटी नोड थोड़ा बहुत ऊपर प्रोड्यूस होता है, कुछ डिस्टेंस से ऊपर प्रोड्यूस होता है, और इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन. इसको कहा जाता है
एंड करेक्शन, और एंड करेक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं ई से। तो एंड करेक्शन का मतलब क्या, द डिस्टेंस बिटवीन ओपन एंड ऑफ द पाइप एंड द पोजिशन ऑफ द एंटी नोड, डिस्टेंस बिटवीन ओपन एंड ऑफ द पॉइंट एंड पोजिशन ऑफ द एंटी नोड इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन। और रेनॉल्ड्स नाम के साइंटिस्ट ने ये जो एंड करेक्शन है उसका फॉर्मूला हमें डिराइव करके दिया है। तो वो फॉर्मूला क्या है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। मतलब छोटा सा फॉर्मूला है, ज्यादा बड़ा नहीं है, एक ही सिंगल लाइन का फॉर्मूला है, उसको हम लोग आगे के डेरिवेशन में यूज करने वाले हैं। इसके डेरिवेशन बहुत सिंपल है। तो देखो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन देखो क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन ओपन एंड ऑफ अ ऑर्गन पाइप, ऑफ एन ऑर्गन पाइप टू द पोजिशन ऑफ एंटी नोड इज कॉल्ड एंड करेक्शन। इसको कहा जाता है एंड करेक्शन, विच इज डिनोटेड बाय ई। ओके, और ई का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स नाम के साइंटिस्ट ने इसको फाइंड किया था, और उसके हिसाब से ये ई कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 0.3 इंटू डी, वेर डी क्या है यहाँ पे, डायमीटर ऑफ एन ऑर्गन पाइप ये फाइंड किया था। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, एग्जैक्ट लेंथ कितनी होगी। देखो मान लो ये मैंने लिया स्मॉल एल, लेंथ ऑफ दिस एक्चुअल ऑर्गन पाइप, और ये एंड करेक्शन। तो बच्चों ये टोटल लेंथ कितनी बनेगी बताओ, ये टोटल लेंथ कितनी बनेगी, दैट इज एल प्लस ई, कैपिटल एल में इसे डिनोट करती है एल प्लस ई, किसके लिए, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहला पॉइंट, चाहे तो डेफिनेशन एक्सप्लेन करने के लिए पूछा तो ऐसे लिखना है आपको, एक्सप्लेन एंड करेक्शन, डिफाइन एंड करेक्शन, तो ये आंसर लिखो। तो सेकेंड पॉइंट देखो, लेंथ ऑफ एन क्लोज ऑर्गन पाइप विथ एंड करेक्शन, एंड करेक्शन के साथ क्या आएगी, देखो विथ एंड करेक्शन क्या बनेगी, ये विथ एंड करेक्शन कैपिटल एल इज इक्वल टू एल प्लस ई, मतलब लेंथ ऑफ एन ऑर्गन पाइप एंड ई फॉर एंड करेक्शन, मतलब हम इसको लिखेंगे एल इज इक्वल टू एल प्लस 0.3 इंटू डी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, इसको अपने नोट डाउन किया, इसको मैं रफ करती हूँ अभी। सिमिलरली इसको भी मैं रफ करती हूँ। सिमिलरली देखो, ऑर्गन पाइप ओपन रहा तो क्या लेंथ कैसे बनेगी, किसके लिए, थर्ड पॉइंट चाहे तो लिखो, लेंथ ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप क्या आएगा। देखो ओपन ऑर्गन पाइप के लिए लेंथ ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप क्या रहेगी, देखो ये ऑर्गन पाइप है, ठीक है, ये दोनों साइड से ओपन है, तो यहां पे ये रहा इसका लेंथ एल, और ऊपर अब देखो यहां दो दो एंड करेक्शन बनेंगे बच्चों, क्योंकि दोनों ओपन एंड है, तो यहां का एंटी नोड, यहां पे भी एंटी नोड ही रहेगा, यहां पे भी एंटी नोड ही रहेगा, है ना, तो एंटी नोड कुछ ऐसे बनेगा, राइट, इसका भी एंटी नोड कुछ ऐसे बनेगा, दोनों साइड से एंटी नोड बनेंगे, यहां नोड बनेगा, यहां एंटी नोड, तो एंटी नोड थोड़ा इसका ऊपर बनेगा, इसका भी एंटी नोड थोड़ा नीचे बनेगा, मतलब दोनों की साइड में यहां एक एंड करेक्शन है, यहां पे एक एंड करेक्शन है, दोनों साइड में एंड करेक्शन है, एंड करेक्शन टू ही बन गया। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी बनेगी बोलो, ओपन पाइप के लिए कैपिटल एल इज इक्वल टू बनेगा, कैपिटल एल
is equal to small l plus 2e, capital L is equal to small l plus 2e. तो length of an organ pipe, open organ pipe क्या बनेगी? L is equal to L plus 2e, okay? ये हमें मिलेगी length of an open organ pipe. Very important students, ये बहुत बार exam में आपको पूछा जाता है. तो जल्दी से इसका screenshot निकालो, चाहे तो diagram भी आप लोग निकाल सकते हैं, उतना बड़ा आंसर दिखेगा, जितना हो सके उतना आंसर को बड़ा करते चलिए, ताकि क्या होता है ना, उतने फुल मार्क्स हमें मिल जाते हैं, है ना. तो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तब तक है ना कैमरा थोड़ा चेक कर लेती हूँ. बच्चों अभी हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाई करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं इसको, है ना. ये आपको पूछा भी गया है, ये सवाल कब पूछा गया पता है? मार्च 15 को. कब पूछा था? मार्च 15 को. 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में. मार्च 15, 4 मार्क्स का सवाल आपको पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट करो इसको. देखो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, और बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल, इतना सिंपल सवाल है, 4 मार्क्स आपको आराम से दे जाएगा. यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है देखो, शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड. मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, एक क्लोज पाइप लेंगे हम लोग. कौन सा? क्लोज पाइप. और हमें शो करना है कि उसमें बस ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, मतलब वन एंड जीरो, टू मिसिंग है, थ्री एंड जीरो, फोर मिसिंग है, फाइव एंड जीरो, सिक्स मिसिंग है, सेवन एंड जीरो, मतलब बस ऑड हार्मोनिक्स ही इसके अंदर प्रेजेंट है, ऐसे शो करो, ऐसे उन्होंने बोला है. कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए. और इतना आसान सवाल मैं आपको बताती हूँ, देखो मैं बताती हूँ कैसे. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फंडामेंटल मोड निकालेंगे. ओके, फंडामेंटल मोड में यानी क्या होता है? फर्स्ट वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द पाइप. ओके, कंसीडर अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हैविंग लेंथ L, एंड करेक्शन E, ऐसे चाहे तो ले लो, एंड करेक्शन E, ओके, वेवलेंथ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन N, ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन N. अब देखो बच्चों यहाँ पे है ना, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा है ना, हमने जो बेसिक स्टडी किया था ना उसको एक बार रिवाइज कर लेती हूँ, ताकि आपको इजी लगेगा. देखो क्या बेसिक स्टडी किया था, आपको याद है? स्टेशनरी वेव के अंदर हमने देखा था, क्योंकि इसको हम अभी इसके अंदर यूज करने वाले हैं. जो प्रीवियस लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों साइड से स्ट्रिंग को क्लोज रखा और ये हमने वेव को प्रोड्यूस किया. ठीक है, यहाँ प्रोड्यूस होगा नोड, यहाँ प्रोड्यूस होगा नोड, यहाँ पे भी नोड, यहाँ पे भी नोड, यहाँ एंटी नोड, यहाँ एंटी नोड, यहाँ एंटी नोड. ठीक है, ऐसे वाइब्रेशन हम लोग प्रोड्यूस करते हैं. राइट, आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था कि दो नोड्स एंड दो एंटी नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है. देखो, दो कॉन्जिकेटिव नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? लैम्ब्रा बाय टू. पहला पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स एंड एंटी नोड्स कितना होता है? लैम्ब्रा बाय टू. ओके, सिमिलरली अगर एक नोड एंड एक एंटी नोड है, इनके बीच में डिस्टेंस होता है लैम्ब्रा बाय फोर, उसका हाफ. सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन वन नोड एंड एंटी नोड इज लैम्ब्रा बाय फोर. नोड एंड एंटी नोड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? लैम्ब्रा बाय फोर. डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स एंड एंटी नोड्स होता है लैम्ब्रा बाय टू. वन नोड एंड एंटी नोड होता है लैम्ब्रा बाय फोर. उसके बाद थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस तो हो गया, ये तो क्लियर हो गया. तीनों का रिलेशन हम यूज करने वाले, किसका
रिलेशन बिटवीन, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था ये रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ क्या होता है? v इज इक्वल टू n इंटू लैमड़ा, ये भी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो बच्चों ये तीन पॉइंट्स तीनों के ऊपर है, अगर ये तीन आपको याद रह गए तो आपको ये चार मार्क्स का क्वेश्चन आप यू सॉल्व करोगे बहुत आसानी से। देखो तो ये सब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं अभी। लैमड़ा बाई फोर याद रखना है, लैमड़ा बाई टू याद रखना है, v इज इक्वल टू n लैमड़ा, ये बेसिक चीजें बस आपको याद रखनी है। अब देखो तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका फंडामेंटल मोड, उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट मोड, फर्स्ट मोड, और उसी का दूसरा नाम क्या है? फंडामेंटल मोड, जिसमें एक ही वेव, एक भी नहीं, हाफ ही वेव प्रोड्यूस हो रही करेगी। देखो कैसे बताती हूँ, फंडामेंटल मोड, ठीक है? तो फंडामेंटल मोड मतलब क्या होता है? फर्स्ट वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द क्लोज्ड पाइप, फर्स्ट वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। देखो कैसे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लोज पाइप लेंगे, ये मैंने क्लोज पाइप लिया, ठीक है, एक साइड से क्लोज्ड, एक साइड से ओपन। तो इसमें सबसे पहला पॉसिबल केस क्या होगा, इसमें ऐसा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, कुछ ऐसे, देखो ऐसा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। अगर आपको लेक्चर बहुत स्लो लग रहा है ना बच्चों, तो आप 1.52 के स्पीड से इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत स्लोली बता दी हूँ ताकि है ना हर एक स्टूडेंट को समझ में आए, ये मेरा मोटिव है, हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए जो मैं पढ़ा रही हूँ। तो कुछ स्टूडेंट्स की ग्रास्पिंग पावर इतनी फास्ट नहीं होती, इसलिए मैं थोड़ा स्लो लेती हूँ। तो जिनको लगता है बहुत स्लो चल रहा है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, है ना, बढ़े हुए स्पीड को कम करने के लिए हमारे पास चांस नहीं है, लेकिन हाँ है, उसमें भी है शायद, है ना, वो कम मोड में भी हम लोग चला सकते हैं, लेकिन हमें फास्ट, तो आप टीचर को बहुत फास्ट भी चला सकते हो, स्लो भी चला सकते हो, बहुत आसान है, टीचर को अपने हिसाब से चलाओ, कितना अच्छा लगता है ना। ऑफलाइन में ऐसे नहीं होता, टीचर को हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते, टीचर बोलेगा बैठ तो हमें बैठना पड़ता है, उठ तो हमें उठना पड़ता है, बट यहाँ पे आप लोग टीचर को चलाते हो, वेरी टेक्नोलॉजी, है ना। तो देखो यहाँ पे आते हैं हमारे पॉइंट पे, तो ये हो गया हमारा नोड एंड ये हो गया हमारा एंटी नोड। तो बच्चों इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, अभी अभी मैंने बताया, डिस्टेंस बिटवीन वन नोड एंड एंटी नोड इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा बाय फोर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दैट इज लैम्डा बाय फोर। और देखो यही क्या है हमारी, दिस इज द टोटल लेंथ, तो इसको हम एल भी तो बोल सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये फंडामेंटल मोड में हम लोग लिखेंगे क्या, फर्स्ट वाइब्रेशन लेंथ ऑफ एन ऑर्गन पाइप, क्लोज के लिए चल रहा है बच्चों ये ऑर्गन पाइप क्या है, एल इज इक्वल टू लैमड़ा बाय फोर। तो इससे मुझे लैमड़ा क्या मिलेगा बच्चों, फोर एल, लैमड़ा क्या मिल रहा है इससे मुझे, फोर एल, ओके। तो इससे अभी मैं आपको फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाऊंगी, तो फ्रीक्वेंसी देखो क्या आएगी, देयरफॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, पहली फ्रीक्वेंसी हमारी फंडामेंटल मोड की क्या होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या बनेगी, इज v इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू लैमड़ा। तो इससे हमें n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, v अपॉन लैमड़ा, तो लैमड़ा यहां पुट कर दो, क्या बनेगी, n इज इक्वल टू v अपॉन 4l। और बच्चों ये तो चलेगा ही, ये भी फॉर्मूला कोई बात नहीं, दिस इज द फंडामेंटल मोड, इसी को l की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, l प्लस e, क्योंकि मैंने क्या बताया था, एंड करेक्शन से कुछ डिस्टेंस पे एंटी नोड प्रोड्यूस हुआ है, e जितने डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इस l की जगह पे हम लिखेंगे n इज इक्वल टू v डिवाइड बाय 4 इंटू l प्लस e, ओके। तो ये है हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अभी फंडामेंटल मोड हो गया, फर्स्ट मोड हो गया, अभी सेकेंड मोड देखेंगे, सेकेंड मोड एंड उसका, एक मिनट, ये क्वेश्चन नहीं, अभी ये क्वेश्चन मुझे कंप्लीट करना है, अभी इसका सेकेंड मोड,
सेकेंड मोड ही हमारा रहेगा फर्स्ट ओवरटोन, मैंने बताया था सेकेंड मोड मतलब भी फर्स्ट ओवरटोन, फंडामेंटल के बाद ओवरटोन आता है फर्स्ट। तो अभी हमारा सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा, दैट इज सेकेंड मोड। एक मिनट यहाँ पे ये बताना भूल गई मैं आपको, ये क्या है हमारी, दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं सोचो, स्टार्टिंग में डेफिनेशन में मैंने बताया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इसको कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। क्या कहते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, पहला हार्मोनिक जहां वन एन होता है, फंडामेंटल का वन एन मतलब फंडामेंटल मोड मतलब फर्स्ट हार्मोनिक बन गया। अब चलते हैं इसकी तरफ, हाँ ये देखो सेकेंड मोड, सेकेंड मोड, और इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, इसी को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, ओवरटोन। देखो इसमें, देखो अभी इसमें मैंने ये पाइप लिया बच्चों, मुझे लगता है हमें स्लाइड चेंज करनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये वर्ड खाने वाली स्लाइड है, आपको याद है ना, ऐसे बीच बीच में ऐसी स्लाइड्स आती रहती है जो हमारे वर्ड्स को खा जाती है, उनको भूख लगती है। तो अभी हम स्लाइड ही चेंज कर देते हैं, सेकेंड मोड, और इसको कहा था मैंने, क्या कहा था, फर्स्ट ओवरटोन, है ना, फर्स्ट ओवरटोन। देखो अब क्या पॉसिबल केस होगा, अब ये पॉसिबल, इसमें क्या बना, सिर्फ इसमें बस एक ही लूप बना, हाफ लूप बना ना, अब क्या होगा, इसमें नहीं, इसमें अब क्या बना, ऐसे बनेगा, देखो ऐसे बनेगा, ये पॉसिबल कैसे, मतलब एक पूरा लूप बनेगा और एक हाफ बनेगा, वन एंड हाफ, है ना। तो ये क्या हुआ, देखो ये हमारा थोड़ा ऊपर आएगा, ये रहा हमारा एंटी नोड, उसके बाद आया नोड, उसके बाद आया एंटी नोड, उसके बाद वापिस आया नोड, यहाँ पे तो हमेशा नोड ही आएगा, वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। तो कितने बन गए, देखो ये एक लैम्डा बाय फोर, दो लैम्डा बाय फोर, तीन लैम्डा बाय फोर, है ना, एंटी नोड टू नोड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, लैम्डा बाय फोर, सो दिस इज वन लैम्डा बाय फोर, टू लैम्डा बाय फोर, थ्री लैम्डा बाय फोर, तो ये टोटल कितना बना हमारा, थ्री लैम्डा बाय फोर, ये क्या है हमारी लेंथ, दिस इज नथिंग बट द लेंथ, ये टोटल लेंथ ही तो है, ये कितनी रही, थ्री लैम्डा बाय फोर। अब देखो लेंथ ऑफ एन, लेंथ ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज क्या होगी, एल इज इक्वल टू थ्री लैम्डा बाय फोर, तो इससे लैम्डा मुझे क्या मिलेगा, फोर को इधर शिफ्ट करो, एल के साथ मल्टीप्लाई होगा, थ्री इस साइड आके डिवाइड होगा, ये मुझे क्या मिला, लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू फोर एल बाय थ्री, ठीक है। अब इससे मैं फ्रीक्वेंसी निकालती हूं, तो फ्रीक्वेंसी देखो क्या बनेगी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड मोड, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन इज क्या बनती है, वी इज इक्वल टू एन इंटू लैमड़ा, एन इज इक्वल टू वी अपॉन लैमड़ा, सो एन इज इक्वल टू वी अपॉन लैमड़ा, लैमड़ा कितना है यहाँ पे, वी डिवाइड बाय फोर एल अपॉन थ्री, तो थ्री ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये क्या बनेगा, थ्री इंटू वी अपॉन फोर एल, ओके। देखो मैंने क्या किया, थ्री को ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों ये किसका फॉर्मूला बन गया, सोचो ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वी अपॉन फोर एल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, तो उसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ, इसको चाहे तो आप एन वन बोलो, एन वन एन वन एन वन, तो एन वन इज इक्वल टू क्या बनेगा, थ्री इंटू एन बनेगा, तो ये मुझे मिलता है सेकेंड मोड, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, और ये देखो ये थर्ड, या थर्ड है ना, तो हम क्या लिखेंगे, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, अंडरस्टैंड,
जिसको हम बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। तो देखो बच्चों, पहला क्या मिला हमें, दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक, ये क्या था हमारा फर्स्ट हार्मोनिक 1N, ओके। और ये क्या है हमारा, दिस इज थर्ड हार्मोनिक, सेकेंड मिसिंग है। देखो मैंने क्या बोला, ऑड मिसिंग रहेंगे बस, सॉरी ऑड मिलेंगे, इवन मिसिंग रहेंगे। तो ये हमारा सेकेंड मोड, ऐसे ही हम देखते हैं अभी थर्ड मोड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको थर्ड मोड बताती हूँ। थर्ड मोड के लिए भी मुझे एक्स्ट्रा स्लाइड लेनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट, दैट इज थर्ड मोड, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, लेकिन आसान है बच्चों, मुझे स्लाइड्स लग रही है बट क्वेश्चन आसान है। थर्ड मोड, और इसको हम बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन। कॉन्सेंट्रेट करके सुनो तो अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, देखो 1.5 हो गया अभी, 2.5 है ना पहला, इसका डिस्टेंस है ना सेम रखो बच्चों, वो मुझसे थोड़ा वेरी हो जाता है, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, बट अगर आप लोगों का ड्राइंग अच्छा होगा ना तो आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, कुछ ऐसे है ना। ये होगा एंटी नोड, वापिस यहाँ बनेगा नोड, यहाँ बनेगा एंटी नोड, यहाँ बनेगा नोड, यहाँ बनेगा एंटी नोड, यहाँ बनेगा नोड। अब देखो ये 1λ/4, 1λ/4, 2λ/4, 3λ/4, 4λ/4, 5λ/4, 1, 2, 3, 4, 5 है ना। तो ये टोटल कितना हुआ, L इज इक्वल टू 5λ/4, समझ में आया सबको, 5λ/4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो सेम प्रोसेस सबके लिए, सेम प्रोसेस है बच्चों, लेंथ ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज क्या होगा, L इज इक्वल टू 5λ/4। सो लैमड़ा इसे क्या मिलेगा, 4L/5, ये 4 इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा, 5 इस साइड आके डिवाइड होगा। अब देखो इससे हमें फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन इज क्या बनेगा, V इज इक्वल टू N इंटू लैमड़ा। तो इससे मुझे N क्या मिलता है, V अपॉन लैमड़ा, ठीक है, लैमड़ा की वैल्यू पुट कर दो, N इज इक्वल टू V अपॉन लैमड़ा, क्या है यहाँ पे 4L/5, तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 5 इंटू V अपॉन 4L। तो बच्चों ये इसको ना N2 नाम देते हैं हम लोग, N2, तो N2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 5 इंटू N है ना, 5 × N बनता है। तो ये कौन सा मिल रहा है हमें, दिस इज कॉल्ड एज, यहाँ पे और एक फॉर्मूला बन सकता है, देखो क्या, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 × V/4, L क्या है यहाँ पे, L+E, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या यहाँ पे तो हमने L+E लिखा है, यहाँ पे भी आप इसको लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला है बच्चों, और यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं VN1 इज इक्वल टू 3 × V/4 × L+E, ठीक है, ये भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, ओके। तो ये देखो ये क्या है हमारा, दिस इज कॉल्ड सेकेंड ओवरटोन एंड फिफ्थ हार्मोनिक, दिस इज कॉल्ड सेकेंड ओवरटोन, ओवरटोन एंड फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, हार्मोनिक, ठीक है। तो बच्चों यहां पे हमें पता ये चलता है, पहले हमें फर्स्ट हार्मोनिक मिला, फिर थर्ड हार्मोनिक मिला, फिर फिफ्थ हार्मोनिक मिला, तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते, वही तो बोला था उन्होंने, क्या करो, शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, जो क्लोज ऑर्गन पाइप होता है उसके अंदर बस ऑड हार्मोनिक्स ही प्रेजेंट होते हैं, तो हम लोग इसे कंक्लूड कर सकते हैं, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट, आंसर में एंड में लिखना है 4 मार्क्स के लिए, वी कैन कंक्लूड दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स, ओनली ऑड हार्मोनिक्स
are present in the closed organ pipe. Okay, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जल्दी से, कम ऑन, एक सेकेंड ना, मैं साइड में हो जाती हूँ थोड़ा, आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में, एज इट इज नोट डाउन करना है ताकि एग्जाम में आपको पूछा जाए, खुद नोटबुक में लिखा करो ताकि, है ना, आपको आंसर अच्छे से लिखते आएगा। ओके, हाँ, और एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जनरल ये फॉर्मूला क्या लिखेंगे, देखो इन जनरल अगर मान लो आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है थर्ड हार्मोनिक है सेकेंड हार्मोनिक है क्या है, कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप क्या करो जनरली इसको कैसे लिखो, देखो इन जनरल लास्ट में लिखो, ये क्या लिखोगे, यहाँ एन टू है ना, आप क्या करो यहाँ एन पी लिखो, एन पी, देखो यहाँ पे क्या है, सोचो जरा, एन टू है तो 2 इंटू टू प्लस वन हमने किया है, मतलब 5, ऑड नंबर आया ना, तो 2 इंटू टू प्लस वन, इसको ये 5 है, मतलब ये हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू टू प्लस वन इज इक्वल टू क्या मिलता है 5, तो जो यहाँ का नंबर है उससे हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 1 करते हैं, ऑड मल्टीप्ल मिल रहा है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2p प्लस 1, जनरल में इसको ऐसे लिखो 2p प्लस 1 इंटू एन, बच्चों ये फॉर्मूला बस लर्न कर लो, इसको लर्न कर लो, आप कैसा भी क्वेश्चन आए ना एग्जाम में उसको सॉल्व कर सकते हैं, बस पी की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे उन्होंने बोला फर्स्ट हार्मोनिक तो आप पी इज इक्वल टू क्या पुट करो 1, उन्होंने बोला सेकेंड तो पी इज इक्वल टू 2, या मोड बोलेंगे वो, उन्होंने बोला फंडामेंटल मोड तो पी इज इक्वल टू 1 पुट करो, उन्होंने बोला सेकेंड मोड तो आप पी इज इक्वल टू 2 पुट करो, उन्होंने बोला थर्ड मोड पी इज इक्वल टू 3 पुट करो, तो यहाँ पी की वैल्यू क्या रहेगी, पी इज इक्वल टू बनेगा 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ऐसे उसकी वैल्यूज बनेंगी, समझ में आया सबको। तो बच्चों ये है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सबका स्क्रीनशॉट ले लो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एज इट इज लिखना है आपको, 4 मार्क्स के लिए मार्च 15 में पूछा गया सवाल है, पूछे जाने के चांसेस है, तो इसको बहुत अच्छे से कॉपी करना है, इसको कॉपी करो, उसके बाद ये तो हमारी खाने वाली स्लाइड है, ये लो इसको कॉपी करो, देन इसको भी कॉपी करो, ऐसे 3 मोड्स दिखा दो बस, दैट्स इट, और ये जनरल का फॉर्मूला लास्ट में दिखा दो, इतना अगर आप अच्छे से लिखोगे तो 4 मार्क्स आपको 100% मिलेंगे, गारंटी के साथ कहती हूँ, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए मुझे लगता है यहाँ पे रुकना चाहिए, और ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, इसका अभी और एक क्वेश्चन बाकी है जो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाली हूँ आपको, उसके बाद स्ट्रिंग का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको एंट्रेंस में बहुत बार पूछा जाता है, उसके ऊपर भी 4-4 मार्क्स के बहुत सारे 3 सवाल पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आपको लेने वाली हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तो नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर अटेंड करें बच्चों, ये टॉपिक पूरा अटेंड करें जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फॉर द एंट्रेंस ऑल्सो एंड फॉर द बोर्ड ऑल्सो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो लेक्चर देखते रहिए बच्चों, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, जितना हो सके उसको शेयर करते चले, ताकि हर एक बच्चे को पढ़ने का हक है, हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हर एक बच्चे को फिजिक्स बहुत ही आसान लगना चाहिए, ये आसान लगे, बहुत सारे बच्चों को है ना फिजिक्स का फोबिया है, बोलते फिजिक्स बहुत टफ है, बहुत टफ है, तो उसको मैं आसान बनाना चाहती हूँ, और आसान बनाने के लिए मैं अकेली नहीं, आप सब लोग मेरे साथ हो, सब लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर करते चले, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब नया वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहो, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।